animal diversity first the contents biodiversity current diversity of life on earth and the animal diversity so first the biodiversity student so, biodiversity se pehle hum words diversity ko dekhte hain diversityify ka matlab hota hai ki bahut zyada different types ka ho jana diversity का मतलब ये होगा कि आपके पास कोई चीज़ है उसकी बहुत सारी variety अगर मौजूद है that is the diversity. तो बायो का मतलब वराइटी ऑफ लाइफ यही लिविंग ऑर्गेनिजम एक जैसे नहीं हैं बल्कि मुख्तलिफ टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम मौजूद हैं तो हम उसके वर्ड यूज़ करेंगे बायोडावर्सिटी का वर्ड यूज़ करेंगे सो बायोडावर्सिटी इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गनिज्म प्रेजेंट इन ऑन द अर्थ या किसी स्पेसिफिक इन्वामेंट की बात अगर हो रही है तो इट इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गनिज्म प्रेजेंट ऑन इन दैट स्पेसिफिक इन्वामेंट तो इस आपने थोड़ा सा इसमें देखना बायोडावर्सिटी वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स नंबर ऑफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ये डिफरेंट जो टाइप्स के एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स कहीं मौजूद हैं दैट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी यानी अगर हमारे पास सपोज एक खास इन्वायरमेंट है उसके अंदर अगर सिर्फ हमारे पास डियर ही मौजूद हैं दूसरा कोई एनिमल मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि ये डाइवर्सिटी नहीं है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम हो सकता है दैट मे बी फाइव हंड्रेड डियर्स लेकिन अगर वो सारे के सारे डियर्स हैं तो ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल वहाँ एग्जिस्ट करता है लेकिन अगर वहाँ 500 हंड्रेड डीयर्स के बजाय 10 डियर्स हैं 10 डिफरेंट टाइप्स के दूसरे एनिमल्स हैं 10 मंकीज़ हैं 10 एप्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जब मौजूद होंगे तो हम ये कहेंगे दिस इज़ द बायोडाइवर्सटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट देयर या ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट देयर एनिमल डाइवर्सिटी एनिमल बायोडावर्सटी जब का तब कहेंगे जब एनिमल्स की बात हो रही और अगर सिंपल डाइवर्सिटी हम कहेंगे तो इससे मुराद मुरादी होगा कि ओवरऑल चाहे वो एनिमल्स या प्लांट्स दोनों ही डाइवर्सिटी का हिस्सा कंसिडर होते हैं तो वाट इज़ द करंट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ज़मीन के ऊपर इस वक्त अगर हम लाइफ टोटल जो लाइफ जो डॉक्यूमेंटिड लाइफ है अगर हम उसकी बात करें तो डॉक्यूमेंटड लाइफ है स्लाइटली हायर देन 1.5 मिलियन इट्स अबाउट 1.7 पॉइंट सेवन समथिंग मिलियंस बुक्स के अंदर आपको मिलेगा 1.5 पॉइंट फाइव मिलियंस लेकिन जो रिसेंट स्टडीज़ हैं वो ये शो करती हैं कि वन पॉइंट सेवन थोड़ा सा ज़्यादा यानी सत्रह लाख से ज़्यादा टाइप्स के एनिमल्स हैं वो अभी तक जो है वो डॉक्यूमेंट किए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट का मतलब उनको रिकॉर्ड किया जा चुका है एस्टीमेट जो है वो ये कुछ साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि अभी तक जो ऑर्गेजम्स या जो डिस्कवर किए गए हैं वो जो मौजूद ऑर्गनिज्म है उनका बहुत एक छोटा सा पार्ट है कुछ साइंटिस्ट का ख्याल ये कि तकरीबन थर्टी मिलियन टोटल स्पीशीज़ ऑफ आर्गेज़म एग्जिस्ट करती हैं यहाँ लाइफ की तकरीबन थर्टी मिलियंस लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्जैजेशन कह सकते हैं आप ये बहुत ह्यूज नंबर है अक्सर साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि जो लाइफ के जो, जो डिफरेंट एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर देट इस अबाउट एट पॉइंट सेवन एट पॉइंट सेवन मिलियन प्लस माइनस वन पॉइंट थ्री ये साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि तकरीबन सिक्स मिलियन से लेकर टेन मिलियन के दरमियान में जब एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनका डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं इस अर्थ के ऊपर एनिमल्स और प्लांट्स के साथ साथ बैक्टीरिया और बाकी ऑर्गेनिज्म भी इसमें आ जाते हैं ओके अगर हम ये कहें कि ठीक है जी इट्स अबाउट एट मिलियंस एट मिलियन स्पीशीज़ हैं जो अभी तक जो है वो डिस्क यानी कि टोटल जो नंबर है तो उसमें 1.3 मिलियन डिस्कवर या 1.5 मिलियन डिस्कवर हुई हैं तो इट मीन्स 80 मिलियंस हैं एटी परसेंट इट्स अबाउट 80 परसेंट विच हैव टू बी डिस्कवर्ड येट 80 परसेंट के करीब एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी डिस्कवर होना है जिन्होंने जो है अच्छा एक और साथ इसके बायोडावर्सिटी के साथ एक और जो टर्म्स है वो एक्सटिंक्शन की है अब जो चीज़ पैदा हुई है जो स्पीशीज़ ज़मीन के ऊपर आई वो खास टाइम के लिए है ये ख़ास टाइम के बाद उसने इस जो अर्थ से जब वो जब वह आहिस्ता आस्ते जब एक्सटिंक्ट हो जाना ख़त्म हो जाना है जैसे डाइनासार्स के ज़माने में थे के साथ बहुत सारी किस्में थी जो अर्थ के ऊपर थी सारी सारी एक्सटिंक्ट हो गई हैं साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि तकरीबन मोर दैन नाइन्टी नाइन परसेंट स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और इस तरह से जब वो एक्सटिंक्शन का ये अमल जो है वो वक्त के साथ साथ कंटिन्यू रहता है तो एनीमल डाइवर्सिटी अगर हम यहाँ सिर्फ एनिमल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जो अभी तक रिपोर्टेड हैं वो हम कह सकते हैं कि अबाउट वन पॉइंट फाइव मिलियज वन पॉइंट फाइव मिलियन से थोड़ा सा राउंड अबाउट आई है वन पॉइंट थ्री से वन पॉइंट फाइव मिलियस एनिमल्स में अगर हम डिफरेंट ग्रूप्स की बात करते हैं तो लेट वी स्टार्ट विद दट्स कारोटल नंबर जो है वो अभी तक जो डिस्कवर हुआ है वह तकरीबा फोटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी एट यानी आप कह सकते हैं कि इट्स अबाउट फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं इन में से फाइव पॉइंट फाइव थाउजेंड कह सकते हैं फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड मैमल्स हैं नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी अबाउट टेन थाउजेंड बर्ड्स हैं एट थाउजेंड से ज़्यादा रेप्टाइल्स हैं सिक्स थाउजेंड से ज़्यादा एम्फीबियन हैं फिशेस का नंबर सबसे ज़्यादा है एंड देआर थर्टी वन थाउजेंड फिशज़ का नंबर इसलिए ज़्यादा है चूँकि वो मेरीन ओशन जो है उसने अब वन परसेंट कवर किया हुआ अर्थ का इस वजह से फिश की डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है दैन एगनी एगनी मीन्स जालसफिश जॉलस फीश की जाए वो तो वन सिक्सटीन वो डिस्कवर की हो चुकी हैं सिफेलो कॉर्डेटा सिफेलो कॉर्डेटा सिंपल कॉर्डेट्स हैं ये इसे ट्यूनिकेट्स सिंपल कॉर्डेट्स हैं तो कुल मिलाकर ये तकरीबन सिक्सटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी एट स्पीशीज़ बनेंगी ये वो हैं जो डिस्कवर हो चुकी हैं एस्टिमेटेड नंबर यह है कि तकरीबन एट्टी थाउजेंड टोटल हैं जो अभी यानी जो टोटल तो तो जो जिन्हें डिस्कवर होने के बाद जो होगा यानी सिक्सटी फोर थाउजेंड अगर डिस्कवर हो चुके हैं या सिक्सटी फाइव डिस्कवर हो चुके हैं तो एट्टी थाउजेंड अभी डिस्कवर यानी तकरीबन इट्स अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड के करीब वर्टिव जो कार हैं उन्होंने अभी डिस्कवर होना है दैन इन्वर्टिव रेट्स इनवर्टिव रेट्स के मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो अगर हम देखें इनवर्टिव रेट्स आर स्मॉल साइज़ बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं इवन अगर एक जो है वो एक एप्पल अगर हम लेते हैं वो रोटन एप्पल है तो उसके अंदर भी थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ आपको इन्वर्टिट्स मिल जाते हैं जिसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स इनवर्टिव रेड्स हैं तो इवन इनवर्टिट्स का नंबर इनवर्टिव जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं दे आर अबाउट वन पॉइंट थ्री मिलियंस वन पॉइंट थ्री मिलिय ज़्यादा हैं और साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि इससे मल्टी टाइम्स सिक्स पॉइंट सेवन मिलियन्स अभी डिस्कवर जो है वो टोटल नंबर होना चाहिए वर्टिब्रेड्स का इट विल भी है जिन्हें होना है फिश सबसे ज्यादा नंबर रखती है इंसेक्ट इंसेक्ट हैं जिनका नंबर सबसे ज्यादा है करीब सिर्फ इंसेक्ट हैं अगर आप टोटल बात करें जमीन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर है 1.74 मिलियंस सेवन मिलियंस में से 1 मिलियन सिर्फ सिर्फ इंसेक्ट्स हैं जबकि बाकी जो है इसमें आप बाकी इसको शामिल कर सकते हैं कि जो है वो 1 मिलियन ये निकाल दें तो 0.7 मिलियन 0.7 मिलियन के अंदर आपके पास तमाम टाइप्स के प्लांट्स आ जाएंगे बैक्टीरिया आ जाएंगे फंजाई आ जाएंगे एनिमल्स आ जाएंगे तो ह्यूज नंबर जो है वो किसका आएगा इंसेक्ट्स का आएगा ओके okay. इंसेक्ट्स बाकी इनवर्टिट्स में अरेक्नीड्स ये भी आर्थ्रोपोड्स हैं क्रस्टेशियंस हैं आर्थ्रोपोड्स हैं मोलस्का है अगर आप इसमें थोड़ा सा देखें तो इंसेक्ट्स वन मिलियन डिस्कवर हो चुका है साइंटिस्ट का ख्याल ये टोटल नंबर फाइव मिलियन है यानी फोर मिलियन अभी डिस्कवर होना है मोलसक्स का अगर हम देखें चूंकि मेरीन है या फ्रेश वाटर भी हम वाटर के अंदर रहते हैं ज़्यादातर तो इसमें एटी फाइव थाउजेंड डिस्कवर हो चुकी हैं साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि दे आर अबाउट पॉइंट टू मिलियन यानी दो लाख के करीब जहाँ इसकी स्पीशीज टोटल हैं एनी लीड्स सिक्सटीन थाउजेंड निमाटोर्स लेस दैन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लेटी हेलमेंथीज ट्वेंटी थाउजेंड नाइडेरिया नाइन थाउजेंड और एनपोरीफ्रा सिक्स थाउजेंड तो इससे टोटल जो अदर इनवर्टिब्रेट्स में ट्वेल्व थाउजेंड के हैं ये वो जो जो है डिस्कवर हुए हैं और एस्टिमेटेड नंबर जो है हमारे पास ये एस्टिमेटेड नंबर को अगर काउंट करें टोटल करें तो इट विल बी एट पॉइंट समथिंग मिलियन जबकि जो डिस्कवर्ड है इट इज़ अबाउट वन पॉइंट सेवन फोर तो अभी भी रेशियो जो हमारे पास है वो एटी ट्वेंटी की है यानी कि 20% परसेंट डिस्कवर हो चुके हैं एंड 80% परसेंट वो है जिन्होंने अभी डिस्कवर होना है